राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोहिदी जियो। श्री राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ सो
कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 हरि ओम राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण Yeah.
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jai Jai Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Jai Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Jaya Sita Ram, Jaya Sita Ram, Sita Ram, Lakshman Bhakt Hanuman, Jaya Sita Ram, Lakshman Sita Ram, Sita Ram, Lakshman Bhakt Hanuman, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Nitya Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitya Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol धर्मराज हरनाम संकीर्तन की जय श्या राम चंद्र की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे वो हरे कृष्णा आराध्यो भगवान ब्रजेश कारुण्य
करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपदे श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपदे सिया राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी मनोज्वं मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमता वातात्मजं वानर्युत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बल दे विद्या देहु मोहि हरिहु कलेश विकार श्री गुरु चरण सरोज रजन जमन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल जशो जो दायक पलचार नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः पंस्तत्कं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण परम सौभाग्य से विभूषित श्री राम कथा के इस चौथे दिवस में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो हमारे वेदों में लिखा है भाग्यो उदयेन बहु जन्म समार जिते सत्संगम च लभते पुरुषः यदा दो चार लोग उधर रही है देखिए आवाज और उनके बाइक को भी पीछे करा दीजिए जो प्रभु साइकिल पे खड़े हैं उधर 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 कृपया आप लोग पीछे चले जाइए पीछे से बैठ जाइए स्थान जहां लेकर सभी भक्त जो खड़े हैं और बैठ जाइए बैठ के आराम से कथा सुनिए हां हां सभी भक्त बैठ जाएं आराम से अगल बगल शोरगुल और नहीं तो कथा में डिस्टर्ब करने का कार्य किसका है हमारे श्रोतागण बताएंगे किसका कार्य है जोर से बताओ एक बार सब लोग एक स्वर में असुरों का किसका चलिए ये बाइक क्या मतलब प्रदर्शनी लगाया गया क्या सेल भी लेके जो भी साइकिल है पीछे खड़ा कीजिए और हटा कर इनकी बाइक है सेल कर दो उसको 90% ऑफ में
एकदम सामने लगे, विचार होना चाहिए मन में, साइड करके रखिए उसे। तो भाग्यो उदेन, तो ये भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं हो सकता है। हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग बहुत दूर दूर से रहने वाले आते हैं कथा सुनने के लिए, और तो कुछ बाजू में रहने वाले नहीं आ पाते। क्यों? क्यों? कभी कुछ लोग निंदा करते हैं कि प्रभु जी बाजू में रहता है लेकिन आता नहीं। अरे वो नहीं आ सकता है। क्यों? क्यों? क्योंकि इस कथा परिसर में आने के लिए भाग्य चाहिए, सुकृति चाहिए। पुण्य चाहिए। भाग्य उदय में हमारे शास्त्रों में कहा गया भाग्य। जब भाग्य का उदय होता है, और कौन से भाग्य का? तो कोटि जन्मेन। देखिए क्या कह रहे हैं, कोटि जन्मेन सुकृतेन लभते। समझिए, देखिए इस चीज को समझने का प्रयास करना चाहिए। आप लोग भी संस्कृत समझ सकते हैं, है ना? आपके गांव के पुरोहित तो विराजमान हैं, अगर नहीं समझ में आए तो उनसे भी पूछ लीजिए। सुकृतेन लभते कोटि जन्मेन। क्या होगा महाराज? कोटि जन्म मतलब करोड़ों जन्मों का सुकृति। कितने जन्मों का? करोड़ों जन्मों का सुकृति। न लभते मतलब थोड़ा इको कम करो, इको कम करो। लभते मतलब कोटि जन्मों का सुकृति एक साथ इकट्ठा होता है। हमारे पूर्व के करोड़ों करोड़ों जन्मों की स्वीकृति जब एक साथ उदय होता है, तब हमारे तब हम लोग जाकर भाग्यशाली बनते हैं और भगवान की कथा का श्रवण कर पाते हैं। भगवान की कथा श्रवण करना कोई मामूली कार्य नहीं। ध्यान रखिए, बहु जन्म समाजित न, जब करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य उदित होता है, भाग्य उदय न बहु जन्म समाजित न सत्संगम च लभते पुरुषः यदा। तब जाकर के कोई व्यक्ति सत्संगम, संतों के संग में, भक्तों के संग में, साधुओं के संग में कथा सुन सकता है, और वो भी प्रमाणिक प्रमाणिक आचार्यों के द्वारा। आज तथाकथित कथावक्ता आते हैं और दिन भर बस सांसारिक बातें कर करके समय पार करते हैं और चले जाते हैं। अपने मन से कहते हैं, अपने मन से कुछ कहते हैं, लेकिन भक्तों हमारा मन का क्या भरोसा? अभी यहां पर है तो अगले ही पल अमेरिका में रहेगा हमारा मन, है कि नहीं? मन की गति इतनी तेज है। भरोसा तो भगवान के बातों का होना चाहिए, भरोसा भगवान के बातों का होना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, संसार दावा नलली ढलोक। जब किसी मनुष्य के जीवन में संत की संगति, जब किसी मनुष्य के जीवन में सत्संग मिलता है, तो कहते हैं सत्संग क्या होता है? जब किसी संत का संग होता है, तब संत की वाणी से भगवान की कथा निकलती है। जगत की कथा नहीं, कहां की कथा? भगवान की कथा। और उस संत का संग करने से संसार के समस्त दुखों से हमें क्या हो जाती है? मुक्ति मिल जाती है।
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, संसार दावा नननी ढलोका। ये जो जगत है ना, ये जो जगत है दावा नल के समान है। कैसा है? दावा नल के समान। दावा नल जानते हैं आप? उसको लगाइए, उसी के प्रसाद रख पाए, है ना? नहीं तो आज तो प्रसाद लाएंगे ही, भगवान का जन्म है। तो संसार दावा नली ढलो का आप महसूस करिएगा। कृपया सभी लोग बैठ जाइए। इस प्रकार से कथा करने में आनंद नहीं आती है। कुछ लोग यहाँ गुट करके गप कर रहे हैं, कुछ लोग वहां, कुछ लोग वहां बाइक पे खड़े होकर के। ना मुझे तो नहीं आती है। आप जिनको आती होगी आती होगी, मुझे नहीं याद आती। कृपया बैठ जाइए आप लोग और आराम से बैठ करके कथा सुनिए। इतनी भी भीड़ नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। देखिए कितने अच्छे, कितने प्रेम से भक्त लोग सुन रहे हैं कथा। आप लोग भी बैठ जाइए। वहीं रख दीजिए, वहीं पे रख दीजिए। ठीक है, वहीं को। तो यह संसार दावा नल के समान जल रहा है भक्तों। दावा नल जानते हैं आप? जंगल में लगने वाली अग्नि। जब किसी जंगल में आग लगती है ना, तो वह आग चारों ओर से लगती है, चारों ओर से वह आग लगती है। और संसार में रहने वाला, जंगल में रहने वाला जीव तिलमिला उठता है, तिलमिला उठता है। उधर से वहां लगाइए उसको जल्दी, और थोड़ा कंट्रोल करिए भीड़। आप लोगों को ये व्यवस्थाएं पहले करनी चाहिए। भीड़ बहुत कम है लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, थोड़ा एडजस्ट करिए इसको। उधर ही रखिए। बच्चों लोग बैठ जाइए शांति से। चिड़िया बन के चहकिए मत। ठीक है, वही उधर ही रखिए। कैमरा के लिए जगह छोड़ दीजिए और उधर कर दीजिए और साइड कर दीजिए। सभी लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कृपया कृपया शांत हो जाइए। भक्तों जब जंगल में आग लगती है ना, तो जंगल धू धू करके जलने लगता है, और उस जंगल में रहने वाले जीव तिलमिला उठते हैं, तिलमिला उठते हैं, जलने लगते हैं। आप सोचो ना, आपके चारों ओर आग लगा दिया जाए तो कैसे तिलमिला उठेंगे? वैसे ही भक्तों, हम लोग भी दिन रात इस संसार में जल जाए। गांव में रहने वाले सोचते हैं कि हम शहरों में चले जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। शहर में रहने वाले लोग सोचते हैं कि थोड़ा बड़े शहर मेट्रो सिटीज में चले जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, और मेट्रो सिटीज वाले सोचते हैं कि हम अमेरिका चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, और अमेरिका वाले सोचते हैं हम मंगल ग्रह पे चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन सुखी कोई कहीं नहीं हो पाता, क्योंकि यह त्रिताप हर जगह पे जल रहा है, हर जगह पे जल रहा है। कैसे इसको बुझाया जा सकता है? जब जब जंगल में आग लगती है तो उसको कैसे बुझाया जा सकता है? फायर ब्रिगेड वाले नहीं बुझा सकते। प्रभु जी हेलीकॉप्टर लेकर के अगर बुझाया जाए, पानी डाला जाए तो? ना 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 ना, हेलीकॉप्टर से भी उसको बुझाया नहीं जा सकता। फिर क्या ऑप्शन है? कैसे वो बुझ सकता है? कौन बता सकता है? बताइए।
कौन बता सकता है। जब कोई जंगल में आग लगती है तो उस आग को कैसे कोई बुझा सकता है। बहुत अद्भुत बात। प्रभु जी के लिए एक बार हरी बोल होना चाहिए। हरी बोल। संसार का मनुष्य इसको नहीं बुझा सकता। आप हेलीकॉप्टर से उसमें पानी डालिए अथवा बाल्टी का बाल्टी पानी डालिए, फायर ब्रिगेड वाले हजारों फायर ब्रिगेड वाले को बुला लीजिए, लेकिन वह आग नहीं बुझेगी। लेकिन अगर उसी समय भगवान की कृपा हो जाए और उस जंगल के ऊपर बादल जम जाए और बारिश हो जाए तो तुरंत बुझ जाएगी वह अग्नि, तुरंत बुझ जाएगी। इसीलिए तो हमारे जीवन में भी यह आग रात दिन हमें तड़पा रही है, रात दिन सता रही है। लेकिन उस आग से हम बच सकते हैं कैसे, अगर हमारे जीवन में संतों की कृपा हो जाए, भक्तों की कृपा हो जाए, और भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से हमारे जीवन में हमें भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिल जाए। अगर ऐसा अवसर मिल जाए ना तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है और हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। गोपियों से पूछा कि गोपियां इस संसार में सबसे अधिक बड़ा कोई भक्त है भगवान के तो वह कौन है। गोपियां बहुत बड़ी भक्ता है। उनसे पूछा गया उनकी स्थिति कैसे है, जैसे किसी मछली को आप पानी से निकाल लो तो क्या होगा, मर जाएगा, तड़प के मर जाएगी। वैसे ही गोपियों की स्थिति है, अगर उसे भगवान से कृष्ण से दूर कर दो तो वह तड़प कर मर जाएगी। गोपियों से पूछा गया, गोपियां तुम अभी भी जी रही हो, कृष्ण तो तुम्हें कब कर छोड़ के चले गए, कृष्ण तुम्हें छोड़कर कब का चले गए, तुम अभी क्यों जी रही हो, अरे तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम क्यों जी रही हो। तब उस समय गोपियां कहती हैं क्या, तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कवि पीड़ितम् कल्मषापहम्। कवि भीड़ितम् कल्मषापहम्। गोपी गीत है। कौन सा गीत, गोपी गीत, भागवत का हृदय, बारह स्कंद में से भागवत का हृदय कौन है, गोपी गीत। उस गोपी गीत में गोपियां कहती हैं क्या, मानो गोपियों से प्रश्न किया जाए, गोपियां तुम कृष्ण से इतना प्रेम करती हो, इतना प्रेम करती हो तो तुम जीवित क्यों हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। तो कहती हैं कि अरे हम तो कब का मर गए होते, लेकिन कृष्ण तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कवि पीड़ितम् कल्मषापहम्।
तो गोपियां इतना तप रही थी भगवान के विरह में, इतना तप रही थी कि किसी वस्तु को छूती तक थी, छूती तक थी तो वह वस्तु जल जाती थी। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इसका वर्णन करते हैं कि एक दिन गोपियां यमुना देवी में स्नान कर रही थी और एक कमल पर लिख करके कृष्ण को संदेश भेज रही थी। कमल को क्या छुआ कि उसकी डंडी जल गई। कमल का अग्र भाग और नीचे का भाग जल गया, क्योंकि नीचे के भाग को हाथ से पकड़ा और ऊपर के भाग को सांस की गर्मी लगी। इतनी गर्मी लगी कि वह कमल जल गया। इतना लेकिन कृष्ण तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कलमसापहम। अरे मेरे तुम्हारे तप्त जीवन का एक ही आधार है, एक ही चीज है जो हमें जिला रहा है, वह क्या है? तव कथा अमृतम। कृष्ण आपकी जो कथा है ना, वही हमें जिला रहा है। शवन मंगलम श्रीमदाततम ते भूरिदा जना श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि गृणं ते भूरिदा जना। कृष्ण आपकी कथा ही है वो हमें क्या कर रही है? जिला रही है। नहीं तो हम तो कब का मर गए होते, कब का मर गए होते। तो भक्तों भगवान की कथा क्या है? परम पवित्र, परम शीतल, परम आनंद प्रदान कराने वाली है। और आज परम सौभाग्य की बात है कि आज हमें ऐसा दिव्य भगवत कथा भगवान की प्राप्त हो चुकी है। आइए हम लोग राम कथा की ओर प्रस्थान करें। भक्तों गत सत्र में हमने सुना, मैं कथा बंद कर दूंगा अगर आप लोग हल्ला करेंगे ना तो उत्सव खत्म। कृपया बैठ जाइए। जो लोग खड़े हो रहे हैं, जिनको जाना है वह साइड में ही बैठिए, जिनको कथा सुननी वही बीच में बैठिए। निवेदन है मेरा, तो गत सत्र में हमने सुना कि किस प्रकार भोलेनाथ देवी पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं और राम कथा सुनाते सुनाते भगवान श्री रामचंद्र के अवतार का कारण बताया। तीन कारण हमने सुना, चार कारण हमने सुना, कौन सा कारण बताओ? प्रश्न उत्तर होना बहुत जरूरी है, तब ये हल्ला शांत होगा। बताओ, हल्ला करने वाले थोड़ा हल्ला करके बताओ, प्रथम कारण क्या था? बताओ बताओ। चार कारण हमने कल गिनवाए ना आपको, गिनवाए कि नहीं गिनवाए? बताओ, गिनवाए ना बाबा? क्या क्या कारण गिनवाए बताओ? ऐसे कैसे हमारा कल्याण होगा बताओ थोड़ा। अगर हम बोलेंगे मेरी बाजू वाली ने ये किया, इसने वो किया, कथा में भी आकर के, तो कैसे कल्याण होगा? क्या क्या चार कारण थे? पहला था सनकादिकों का श्राप, चतुष्कुमार ने श्राप दिया जय विजय को, ये पहला कारण। दूसरा कारण क्या था? बृंदा देवी का श्राप, किनका श्राप? और तीसरा नारद जी का श्राप है ना, और चौथा क्या था? भानु प्रताप राजा और चित्रकेतु का इस प्रकार से था। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
राजा प्रताप भानु और सत्य केतु। इस प्रकार से भगवान के कारण, अब भगवान के अवतार के कारण के विषय में बता करके अब परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि कौन सी परिस्थिति में भगवान का जन्म हुआ। तो वर्णन करते हुए कहते हैं कि पुलस्त्य ऋषि के तीन पौत्र कौन कौन, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, तीन पौत्र। इन तीनों ने बहुत तपस्या किया और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। रावण ने कहा मुझे आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए कि वानर और मनुष्य छोड़कर मुझे कोई नहीं मार सके। बोले ठीक है। बोले ये वानर और मनुष्य को तो मैं ऐसे चुटकी में चबा जाऊंगा, क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, आशीर्वाद दिया। कुंभकर्ण के पास गए, तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे आशीर्वाद दीजिए 6 महीना तक सोता रहो। बोले ठीक दे दिया। उसके पीछे भी कारण था, क्योंकि कुंभकर्ण का जो शरीर था वो बहुत विशाल था, बहुत खाता था। बोले अगर ये खाएगा तो पूरे जगत के अन्न को खा जाएगा, इसलिए इसको सुला दो 6 महीने के लिए। तो सुला दिया करते थे। विभीषण के पास गए तो क्या मांगा? ते ही मांगे वो भगवंत पद कमल अमल अनुराग, मेरा भगवान के चरणों पर प्रेम बना रहे। पीछे से आवाज नहीं करिए, तैयार कर रहे हैं अपने। कथा में आवाज होना ठीक नहीं है, समझ में नहीं आता। मैं इतना डिस्टर्बेंस में कथा नहीं करता। तो तीनों भाइयों से आशीर्वाद, तीनों भाइयों ने आशीर्वाद मांगा ब्रह्मा जी से, और आशीर्वाद मांग कर रावण, शिव जी और ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त करके इस संसार में हाहाकार मचाने लगा। कहते हैं चलत दसानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ स्त्रव शुर रवनी, चलत दसानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ स्त्रव शुर रवनी, चलत रावण जब चलता था, कहते हैं ये धरा ये पृथ्वी कांपने लगती, तीनों लोकों में पूर्ण हाहाकार मच जाता था। रावण आ रहा है, रावण आ रहा है, ये सुन करके गर्भवती स्त्रियों का प्रसव हो जाता। ब्रह्मा जी से प्राप्त करके रावण सर्वप्रथम यक्ष के ऊपर विजय प्राप्त करता है। यक्ष में जाकर के, यक्ष लोक में जाकर समस्त यक्षों को अपने घर पर बंदी बनाता है। तत्पश्चात शिव जी और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके परंपराकर्मी होकर के, शक्तिमान होकर के रावण पताल लोक में गया और पताल लोक में जाकर सब नागों का वध कर दिया, नाग कन्या का अपहरण कर लिया, सभी को लाकर अपने लंका में बंदी बना दिया। सौंदर्य का शिकारी यह रावण मंदिर में जाकर के रंभा का संग किया। संसार में किसी सुंदर स्त्री को देखता तो उसे उठा करके अपने महल में बिठा देता। रावण ने अपने अनुचरों को आदेश दे दिया स्वर्ग में चले जाओ, समस्त जानवरों को, समस्त अनुचरों को बुलाया, अपने पुत्र मेघनाथ प्रस्थ समस्त असुरों को आदेश दिया स्वर्ग में जाकर के देवताओं को तड़पा, जहां पर शास्त्र की बात होती है वहां पर शस्त्र चलाओ। हे मेरे अनुचरों, जितने भी यज्ञ हो रहे हैं, जितने भी कथा हो रहे हैं, वहां पर बाधा देने के लिए पहुंच जाओ, उन्हें बंद करा दो, सारे यज्ञों को विध्वंस कर दो। हे मेरे अनुचरों, इस संसार में जितने यज्ञ हो रहे हैं सबको बंद कराओ, तपस्या करने वाले के तप बंद कराओ, ध्यानियों का ध्यान बंद कराओ, ज्ञानियों का ज्ञान बंद कराओ, नदियों का पानी बंद करा दो, वृक्षों के फल आजीवन गिरा दो, स्वयं सभी साधु महात्माओं के पास जाकर के मार करके काट करके सभी का खून इकट्ठा करने लगा। रावण के अत्याचार से ये पृथ्वी रक्त से सन गई और पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया।
समस्त देवताओं को अपने वेश में लाकर वश में ला करके समस्त देवता लोकपाल ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के चरणों में निवेदन किया। हे प्रभु रावण, हे प्रभु रावण के अत्याचार से पृथ्वी हो गई है, पृथ्वी का भार बढ़ गया है, ब्रह्मा जी इस पृथ्वी का रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए मैं आप सबों में सबसे वरिष्ठ तो हूं, लेकिन इस संकट से मैं आपको नहीं बचा सकता, अतः हमें भगवान के पास जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? भगवान के पास। अब देखिए वहां पर उस सभा में बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि आखिर भगवान कहां मिलेंगे, भगवान कहां मिलेंगे। अब मान लीजिए इस सभा में प्रश्न किया जाए भगवान कहां मिलेंगे, तो आप लोग बताइए कहां मिलेंगे भगवान। बहुत अच्छा, अरे आप लोग बताइए बताइए। हाँ हरि बोल। बहुत अच्छा, जब गांव के पुरोहित इतने विद्वान हो तो फिर बहुत अच्छा। आप लोग इधर आ जाइए, ऐसे खड़े हैं मुझे लग रहा है कुछ गुनाह करके पीछे खड़े हैं, नहीं तो उधर चले जाइए, सामने रहेंगे तो आनंद आएगा। पंडित जी लोगों को सिखाया नहीं आपने कि कथा सामने से सुननी चाहिए, पीछे बैठ बैठ थोड़ा सिखाओ। तो उसमें बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि आखिर भगवान कहां मिलेंगे। कुछ देवताओं ने कहा ध्यान ध्यान करने से भगवान मिलेंगे, कुछ लोगों ने कहा यज्ञ करने से भगवान मिलेंगे, कुछ लोगों ने कहा मंदिर जाने से भगवान मिलेंगे, कुछ लोगों ने कहा तपस्या करने से भगवान मिलेंगे। लेकिन शिव जी कहते हैं देवी पार्वती उस सभा में मैं भी विराजमान था और विराजमान होते होते मैंने कहा क्या ते ही समाज गिरजा में रहे हूं अवसर पाड़ी बचन एक कहो। हे पार्वती उस समय उस सभा में मैं भी बैठा था जब ये प्रश्न उठा कि कहां मिलेंगे, और जब ये प्रश्न उठा तब मैंने अवसर देख करके कह दिया क्या हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान हरि सर्वत्र हर जगह पर समान रूप से विराजमान है, समान रूप से। परंतु उस भगवान को प्रकट करने के लिए फिर आवाज कर रहे हैं, कृपया आप लोग प्रभु जी प्लीज आप लोग बैठिए, नहीं जो कार्यकर्ता हैं वो लोग देखिए भीड़ बहुत कम है लेकिन ये लोग आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। तो प्रश्न था कि भाई कहां मिलेंगे, तो कहते हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट भई में जाना। क्या कहे भगवान हर जगह समान रूप से विराजमान है, हर जगह समान रूप से विराजमान है, लेकिन उस सर्व समान भगवान को प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा, उनका कीर्तन करना पड़ेगा। जैसे इस संसार कुछ मूर्ख लोग प्रश्न करते हैं मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, भगवान तो हर जगह है। वैसे मूर्खों से पूछना चाहिए पढ़ाई की हो, की हो पढ़ाई, किया पता है हमारे वातावरण में 4% पानी है, कितना आप जो सांस ले रहे हैं ना उस हवा में 4% पानी है। जो भी साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्हें तो पता ही होगा, ये जी 8वीं 10वीं में ही था हमने पढ़ा था 4% पानी है। तो अब बोलो उनको कि अगर पानी पीनी है बेटा तुम्हें तो चापाकल या फिर कुएं के पास क्यों जाते हो, हवा से ही पी लो, खींच लो करके खींच लो, खींच सकता है व्यक्ति, नहीं खींच सकता है। उसे पानी पीने के लिए कहां जाना पड़ेगा, नल के पास अथवा
कुएं के पास अथवा नदी के पास जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से भगवान हर जगह विराजमान है, लेकिन उस भगवान का दर्शन करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? मंदिर जाना पड़ेगा, जहां भगवान साकार रूप से विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट भई। उस भगवान से उस भगवान को प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कीर्तन करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे कि भगवान को आप खोज रहे हो, यहाँ खोजते हो, वहां खोजते हो, अरे यहाँ वहां मत खोजो, ऐसा कार्य करो कि भगवान तुम्हारे सामने आकर के प्रकट हो जाए। शिव जी ने कहा स्तुति करनी पड़ेगी। सभी देवी देवताओं ने साधु 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 करके शिव जी का स्वागत किया और बड़े प्रेम से, बड़े भाव से भगवान की स्तुति की। आइए हम सब भी मिल करके भगवान की स्तुति करें और इस गांव ग्राम में आज भगवान को प्रकट करें। सीता राम 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 सीता राम राम सभी लोग आइए सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम जय जय शूरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम द्विज हितकारी जय शुरारी सुतकंता सीता राम 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 सीता राम राम पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जानत कोई सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 समस्त देवी देवता भगवान को प्रकट करने की स्तुति कहते हैं प्रभु आप देवताओं के स्वामी हो, आप अपने सेवकों को सुख देते हैं, आप अपने शरणागत की रक्षा करते हैं। कहते हैं भगवान आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए, गाय और ब्राह्मण के हित करने वाले, हे यसुरों का विनाश करने वाले, हे समुद्र के कन्या के स्वामी, हे प्रभु आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे सामने प्रकट हो जाओ, हे देवताओं और पृथ्वी के पार को दूर करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, आपकी लीला का भेद आज तक कोई नहीं जान पाया,
जिसका सहज स्वभाव ही कृपा करना है, जो लोगों के ऊपर कृपा करते हैं, जो दीनों के ऊपर दया करते हैं, ऐसे प्रभु हमारे सामने प्रकट हो जाइए और दर्शन प्रदान करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद सीताराम राम सीताराम राम 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 अभिगत गोदीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सभी लोग आइए राम राम सीताराम 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 राम हे अविनाशी आप घट घट में रहे, आप सर्वव्यापक हो, आप परमानंद के स्वरूप हो, आप अजय हो, आप संसार के जीवों के इंद्रियों से परे हो, आपका चरित्र परम पवित्र हो, आप माया से रहित हो, आप मुक्ति देने में समर्थ हो। आज हम आपके द्वार पे आए हैं, हे प्रभु आज हम दुखी हैं, हम आपके द्वार पर आए हमें दर्शन से, हमारी रक्षा हमारी रक्षा जे ही लागे बिरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 इसी पाचर गावही गुणगण गावही जयति सच्चिदानंदा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम हे प्रभु आप सभी लोगों से विरक्त हो, मोह और स्वार्थ से सदा के लिए आप इस संसार में अपने भक्तों को भक्तों के प्रेम लेखो, रात दिन बड़े बड़े साधु संत रात दिन जिनका ध्यान करते हैं, जिनका गुणगान करते हैं, उस सच्चिदानंद भगवान की जय। इस संसार में जो लोग आपकी शरण में आते हैं आप उन्हें निश्चित दर्शन देते हैं। आज हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु, कृपा करें हमें दर्शन करें। जे ही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाना दूजा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम जो करौ अघारी चिंत हमारी जाने भक्ति न पूजा सीताराम राम सीताराम राम 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 राम हे प्रभु इस संसार में आपके सिवा और हमारा कौन सहाय है, संग सहाय ना दूजा और दूसरा कोई सहाय नहीं। भक्तों जिस दिन इस प्रकार से हम भगवान पे सरेंडर हो गए ना, अपने आप को समर्पित कर दिए, संग सहाय ना दूजा आपके सिवा और कोई मेरा सहारा नहीं, उस दिन भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। द्रौपदी के सामने भगवान प्रकट हो गए, ऐसी अवस्था में जब द्रौपदी का अर्ध साड़ी आधी साड़ी खुल चुकी थी, ऐसे स्थिति में द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और भगवान को पाही पाही जगतपते सरेंडर कर दिए भगवान को, और भगवान ने उनके वस्त्र नहीं मिलने दिए। थोड़ा विचार करो, आधी साड़ी खुली हुई, हुई।
गजेंद्र बस इतना सा केवल नाक का छिद्र ही बाहर था और ऐसी स्थिति में गरा से लड़ना छोड़ भगवान को एक फूल निवेदन कर दिया और भगवान वैकुंठ से कूद गए और गरा मार दिया और गजेंद्र की रक्षा की। जब जब भक्तों ने भगवान को सरेंडर किया समर्पित किया भगवान प्रकट हुए और भगवान रक्षा की। अगर हम भी भगवान को समर्पित होंगे तो भगवान इस गांव में प्रकट होंगे। बहुत सुंदर इस प्रकार समस्त देवी देवता ब्रह्मा समेत शिव जी समेत क्षीर सागर के तट पर बैठे बैठे स्तुति करने लगे। लेकिन भक्तों जब तक बैठे बैठे स्तुति किया ना भगवान प्रकट नहीं हुए, प्रकट ही नहीं हुए। भगवान बोले कर लो जो करनी है। तब सभी देवी देवता खड़े हो गए और नाचते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। अगर हम चाहते हैं ना कि भगवान हमारे गांव में प्रकट हुए तो हमें भी दो मिनट के लिए अपने अपने स्थान पर खड़ा होना होगा और भगवान के लिए नाचते हुए स्तुति करनी पड़ेगी। सभी लोग दो मिनट के लिए खड़ा हो जाइए। सभी लोग आप लोग भी खड़े हो जाओ। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 ऐसे भगवान नहीं प्रकट होंगे। ऐसे भगवान प्रकट नहीं होंगे। भगवान को प्रकट करने के लिए ना थोड़ा नाचना पड़ेगा, थोड़ा व्याकुलता होगी होनी चाहिए, थोड़ी इगरनेस व्याग्रता होनी चाहिए। काहे को तरसावे हो लाला मोहे काहे को तरसावे हो लाला मोहे काहे को तरसावे काहे को तरसावे हो लाला मोहे काहे को तरसावे काहे को मेरे घर का बहुना जय हो मेरे घर का बहुना बेसावरिया मोहे काहे को दर्शावे घर का बहुना बेसावरिया मोहे काहे को दर्शावे। विश्वास करो अगर आप ऐसे रात भर कीर्तन करते रहे ना तो भगवान नहीं आएंगे। जब तक नाचोगे नहीं थोड़ा फैल जाओ और नाचते हुए कीर्तन करो। काहे को तरसावे हो लाला मोहे काहे को तरसावे काहे को काहे को तरसावे हो लाला मोहे काहे को तरसावे काहे को तरसावे हो लाला मोहे मेरे घर का बहुना मेरे घर का बहुना बे सावरिया मोहे काहे को तरसावे मेरे घर का बहुना आयो सावरिया मोहे काहे को तरसावे मेरे घर का बहुना बे सावरिया मोहे काहे को तरसावे मेरे घर का बहुना लड़के बड़े शर्मिंदे हैं। अरे भाई आगे आ जाओ नाचो मोबाइल में क्या वीडियो बना रहे हो। डीजे में तो खूब नाचते हैं सट फाड़ फाड़ के नागिन डांसते भगवान के जन्मोत्सव में नहीं नाचना। आगे आ जाओ आगे आओ सभी बच्चे लोग आगे आ जाओ पकड़ पकड़ के लाओ और नचाओ।
हरि बोल। तू तो कारी ओडे कावरिया मोहे काहे को तरसावे। तू तो कारी कावरिया काहे को तरसावे। देखिए प्रभु जी ऐसा है, लग रहा है कि कुछ भक्त शर्मा रहे हैं कि हम डांस करेंगे तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। कुछ माताएं बहनें जो हमारी हैं वो भी शर्मा रही हैं। देखिए जो भगवान के कार्य में जो डांस करता है, जो नृत्य करता है, उसे दुनिया में नृत्य नहीं करना पड़ता है। नहीं तो देखते हैं ना, कभी यहाँ दौड़ना पड़ता है, कभी डॉक्टरी, कभी कहाँ जाना पड़ता है। इसलिए आप लोग एकदम झूम के नाचिए, एकदम झूम के डांस। ये जानिए कि मैं भगवान के दरबार में हूँ, भगवान की एक करो। इधर आ जाओ, सामने आकर के डांस करो, ये पीछे वाले को पकड़ पकड़ के इधर करो। मोहे बहु नया आयो सावरिया, मोहे काहे को तरपावे। मोहे बहु नया आयो सावरिया, आहे को तरपावे, मोहे काहे को तरपावे। हरि बोल। तू तो मधुर बजाए गए बांसुरिया, मोहे काहे को तरपावे। तू तो मधुर बजाए गए बांसुरिया। आप लोग क्यों नहीं नाच रहे हैं? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कॉर्नर वाले लोगों को टांग नहीं दिया भगवान ने, पांव नहीं दिया है तुम लोगों को? इधर पांव नहीं दिया भगवान ने?
दिया है तो उसका इस्तेमाल करो, नहीं तो ये पांव मात्र और मात्र होते ना सीढ़ी में लगे हुए दो पांव के समान है जिसको जबरदस्ती चलाना पड़ता है। भगवान के सामने नहीं नाचे तो फिर इस पांव का, इस हाथ का, इस शरीर का क्या यूज। सोए गई कि खोए गई मैं, सोए गई नाचो। सोए गई कि खोए गई मैं, सोए गई कि खोए गई, सोए गई कि खोए गई मैं, सोए गई कि खोए गई, सोए गई कि खोए गई मैं, सोए गई कि खोए गई मैं। तो मधुरा राधे तो मधुरा, तू तो मधुर बजाय गयो बांसुरिया मोर काहे को तरसा। तू तो मधुर बजा गयो बांसुरिया काहे को तरसा, तू तो मधुर बजा गयो बांसुरिया। नाचो नाचो हरि बोल, भगवान के जन्मोत्सव में नाचो। वरुण जी कहां गए, उनको पकड़ के लाओ। सुन मोके रहियो न जावे, सुन 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 सुन मोको रहियो न जावे। चल घट में बज पायलिया मोहे काहे को तरसा। काहे को तरसावे हो लाला मोहे, काहे को तरसावे, काहे को तरसावे हो लाला मोहे, काहे को तरसावे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमन हरि हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम युग धर्मराज हरिनाम संकीर्तन के जय सभी भक्त बैठ जाए अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें और सब लोग शांति से बैठ जाइए। हाँ, भगवान का जन्म नहीं हुआ है, प्रकट नहीं हुए भगवान। आराम से बैठ जाइए। हमें पता है आप बहुत उत्साहित हैं कथा सुनने के लिए, भगवान के जन्म के लिए। बैठ जाइए, शांति के साथ बैठ जाइए। आवाज बंद करिए, आवाज नहीं करिए, शांति से बैठ जाइए। बैठने में बोलने की क्या आवश्यकता है, वो तो चुपचाप बैठ सकते हैं ना। कोई आवश्यकता होती है क्या बोलने की? बैठ जाइए। तो इस प्रकार सभी देवी देवता, ए पीछे तुम अपना टीम का आवाज बंद कराओ, बंद कराओ उनको, नहीं तो बोलो ड्रामा कैंसिल कर दूंगा। सबको आगे लाके बिठाओ, कथा सुनाओ, बाद में ड्रामा कराओ। चार घंटे पहले तैयार कर दिया, बिठाओ सब। आप लोग भी बैठ जाइए, ऐसे इधर उधर घूम के कथा नहीं सुनना चाहिए आपको। कोई पढ़ावे और ऐसे घूम घूम के पढ़ेंगे अच्छा लगेगा? नहीं ना लगे, लगे तो ऐसे कथा कैसे समझेंगे। बैठ जाइए, पीछे बंद करो हल्ला। प्लीज कृपया हल्ला बंद करिए। हल्ला जब करना है कीर्तन में उस समय मुंह में तो बंद हो जाता है, और जब नहीं करना होता तो मुंह इतना बड़ा बड़ा हो जाता है। जब नाचने बोला जाता है तो खड़े हो जाते हैं, और जब नहीं बोला जाता है तो टंडली करना शुरू कर देते हैं। अद्भुत। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। सबको बिठाइए, थोड़े जो जागरूक लोग हैं वो लोग खड़े होइए, आप भी खड़े होइए, संभालिए अपने भीड़ को। ठीक है, बैठ जाइए। हमें पता है बहुत उत्साहित है भगवान के जन्म के लिए। तो इस प्रकार समस्त देवी देवता भगवान की दिव्य स्तुति करने लगे, और दिव्य स्तुति करने से यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब इस प्रकार भगवान की स्तुति हुई, भगवान का नृत्य हुआ, भगवान के लिए भगवान को प्रकट करने के लिए कीर्तन हुआ, तो मेघ गर्भत्या गिरा, मेघ के समान भगवान की वाणी प्रकट हुई। भगवान ने कहा, हे देवताओं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जिस कार्य के लिए आए हो मैं जानता हूं, आप लोग वापिस चले जाओ, मैं बहुत जल्द प्रकट होने वाला। तब भगवान ने कंफर्म करने के लिए पूछा ब्रह्मा जी ने कि प्रभु 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 बताओ बताओ, ठीक है आप आओगे तो सही, लेकिन कहां आओगे,
कहां पे आ रहे हो बताओ, क्योंकि आज कलयुग में तो हर दूसरा घर छोड़कर तीसरे घर में एक भगवान है। फलाने बाबा भगवान, फलाना बापू भगवान, फलाना साई भगवान, जिसका वर्णन भी नहीं शास्त्रों में, वो भगवान। पाखंड बहुत फैल गया है प्रभु, अब बताओ कहां आओगे। देखिए ये है भगवान जिनका वर्णन शास्त्रों में है। कोई भी मूर्ति बना करके पूजा कर दिए भगवान नहीं हो जाएगा, भगवान का वर्णन है शास्त्रों में, वेदों। भगवान ने कहा मैं बहुत जल्द राजा दशरथ के पुत्र के रूप में आने वाला। आप सब लोग जाओ और अपने अपने अंश से, अपने अपने अंश से अयोध्या में और दंडकारण्य इत्यादि के जंगलों में जन्म ले लो, प्रकट हो जाओ, है ना। मैं बहुत जल्द अवतार लेने वाला हूं, बहुत जल्द आने वाला हूं। आप लोग हमारी लीला में सहायता करने के लिए हमारे साथ चलो। बोले ठीक है। अब दूसरी ओर ब्रह्मा जी से, अब देखिए बहुत ध्यान पूर्वक आप लोगों को राम का वंश याद होना चाहिए कि भगवान कौन से वंश में आए हैं, और मैं प्रश्न पूछूंगा, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्रह्मा जी से अनेक वंश चले, उनमें सबसे श्रेष्ठ जो वंश हुआ वह क्या कहलाया? सूर्य वंश। कौन सा वंश? सूर्य वंश। अब इस वंश की परंपरा मालूम है आप लोगों को? नहीं है। चलिए गिनाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि। कौन? मरीचि। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। कौन? कश्यप जी के पुत्र हुए सूर्यदेव विवस्वान, और सूर्यदेव के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु, जिससे विवस्वान मनु आया, है ना? तो इस सूर्यदेव से जितने भी पुत्र हुए ना, जितने भी परंपरा चली, वह क्या कहलाई? सूर्य वंश। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, परंपरा गिनते हैं, गिनना चाहिए। वैवस्वत मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, ठीक है। मनु महाराज के छींकने से इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए विकुक्षि, और सूर्यवंश की परंपरा गिनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, ठीक है ना। सूर्य के पुत्र मनु, मनु के इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के विकुक्षि, विकुक्षि के पुरंजय, पुरंजय के अनेना, अनेना से पृथ्वी, पृथ्वी से विश्वरंधी, विश्वरंधी के चंद्र, चंद्र के युवनास्व, युवनास्व के साबत, साबत के बृहदस्व, और बृहदस्व के कुबलाश्व। याद हो गया, इसलिए कथा की रिकॉर्डिंग है, है ना, तो आप इसको सुन सकते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारी राम कथाएं किया है, तो वह सारी कथाएं हमारे YouTube चैनल पे मौजूद है। आप लोग फोन यूज करते हैं स्मार्टफोन, तो अगर उसमें मेरा नाम डालेंगे आप लोग तो हमारा चैनल आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग देख सकेंगे। नाम रूपा नुगदास, देखिए RUPA NUGADAS। अभी यहां आने से पहले, दो दिन पहले ही मैं कथा करके आया सासाराम में, तो वहां भी राम कथा ही थी, उसमें भी आप देख सकते हैं, है ना। तो याद हो जाएगा हमें यह पूरा परंपरा। कोई भी पूछेगा तो बता देंगे, अरे ये है देखो, सुनेंगे तो। सॉरी एक बार और नाम चाहिए, रूपा नुगदास RU। अरे नाम हमारा सर तो लगा होगा बैनर में भी, आप देख सकते हैं RUPANUGADAS, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी और गीता क्लासेस भी हैं, जो बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो गीता को अच्छे से जानना चाहते हैं वह देख सकते हैं। पिछले एक साल से लगातार हम लोग, दो साल से लगातार हम लोग भगवत गीता के ऊपर क्लास करते आ रहे हैं, भागवतम के ऊपर भी क्लासेस हैं, आप लोग सुन सकते हैं, है ना। यूथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है, किस प्रकार से हम अपने मन को कंट्रोल करें, क्रोध को कंट्रोल करें, अपने वासनाओं को कंट्रोल करें,
बहुत सारे ऐसे ऐसे अंसर जो दूसरे देश दूसरे धर्म के लोग हमारे देश के ऊपर थोपते हैं, उपवास क्यों करें, भगवान की भक्ति क्यों करें, वेद क्यों माने, इन सारे के साइंटिफिक आंसर हमने उस पे दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं और उसको सुन सकते हैं और ऐसे लोगों के ऊपर धड़ाम धड़ाम करके फेंक सकते हैं कि देखो ये सुनो ये समझो तब समझ में आएगा, है ना। लाखों लोग वीडियो को देखते हैं, आप लोग भी देखिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। हरे हरे। तो सूर्य के मनु मनु के इच्छवाकु इच्छवाकु के विकुक्षी विकुक्षी के पुरंजय और पुरंजय के अनेना अनेना से प्रित प्रित से विश्वरंदी विश्वरंदी के चंद्र चंद्र के युनाश युनाश के साबत्स साबत्स के बृदश्व बृदश्व के कुलाश्व कुलाश्व के दृढ़ाश्व दृढ़ाश्व के हरियश्व हरियस के पुत्र वे निकुंभ निकुंभ से वे कुशाश्व कुशाश्व से सैनजीत सैनजीत के पुत्र वे युनाश युनाश के कोई पुत्र नहीं थे। ऋषि मुनियों के द्वारा यज्ञ करवाया, वन में विचरण करने के लिए गए। ऋषि मुनियों ने जल अभिमंत्रित करके रखा था, युवनासु की पत्नी गाएगी और इसे पिएगी और गर्भवती हो जाएगी। लेकिन गर्मी के दिन होने के कारण युवनास आए और उस जल को खुद पी लिए। अब होना था पत्नी को गर्भवती, ये हो गए गर्भवता। इतिहास की अद्भुत घटना भक्तों, बालक का जन्म हुआ। अब जन्म होते ही माता के दूध से स्तन से दूध आता है। अब इनके स्तन से दूध नहीं आया, उससे बच्चा रोने लगा। प्रश्न उठा, का धाता मतलब कौन इसकी माता बनेगी, कौन इसकी माता बनेगी। तो उस समय इंद्र आया और इंद्र के अंगुली में अमृत का स्राव होता है। उसके मुख में अंगुली डाल दिया और कहा माम धाता। क्या कहा? माम धाता। तो क्योंकि इसको इसके माँ जो है दूध इसको किसने दिया? इंद्र ने। माम धाता कहा, इसलिए इनका नाम हो गया मान धाता। और इसी मान धाता के 50 कन्याओं से सौभरी ऋषि का विवाह। सौभरी ऋषि एक ऋषि हुए जो यमुना जी में बैठ करके यमुना जी के अंदर जल में बैठ करके तपस्या कर रहे थे। लेकिन कुछ मछली को देख लिया, एक मछली और मछलनी प्रेम कर रही थी, बोले अरे आनंद तो यहाँ है, मुझे भी विवाह करना चाहिए। विवाह करने के चक्कर में पड़ गए। मानधाता के पुत्र हुए पुरुकुत्स के त्रिशदशु त्रिशदशु के अर्णयन अर्णयन के हरियश्व हरियश्व के अरुण अरुण के निबंध निबंध के राजा त्रिशंकु। अब राजा त्रिशंकु को स्वर्ग जाना था, कोई तपस्या नहीं किया। विश्वामित्र जी के शिष्य थे, अपने गुरु से कहा मुझे स्वर्ग जाना है। बोले रे स्वर्ग जाने के लिए तपस्या करो। बोले नहीं, आपके तपस्या के बल से जाऊंगा। बोले ठीक है जाओ। इधर से विश्वामित्र जी ने फेंका, इंद्र ने देखा रे बिना तपस्या किए हुए आ रहा है। उधर से इंद्र ने अपना बल लगाया, इधर से विश्वामित्र जी ने, उधर से विश्वामित्र जी ने, बेचारा बीच में ही लटक गया। कहते हैं आज भी ये त्रिशंकु लटके हुए हैं आकाश में। और ऐसे त्रिशंकु के जगत विख्यात पुत्र हुए कौन बताओ? कौन हुए? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को तो आप जानते ही होंगे, उनकी कथा तो बच्चा बच्चा जानते हैं। मैं केवल परंपरा गिना रहा हूं, इसलिए गिना रहा हूं ना कि भगवान का जन्म पवित्र कुल में होता है। ऐसे वैसे कोई मुर्गा खाने वाले में नहीं होता है, देखना पड़ेगा। कहीं पे भी भगवान प्रकट नहीं हो जाते हैं। विदेशों में प्रश्न होता है, हमारे गुरु महाराज विदेश में कथा कर रहे थे, वो प्रश्न किया गया कि अरे सारे अवतार भारत में ही क्यों? कोई अवतार अमेरिका में भी होना चाहिए था, अमेरिका इतना सुखी देश है। तो महाराज कहे कि भगवान का जन्म वहां होता है जहाँ पे माता और पिता पवित्र होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। यहाँ तो इसे ये अपने बच्चे को ये नहीं पता कि ये किसका पुत्र है। ये तो ये गिनवाते हैं कि मेरे पहली माता से ये, मेरे दूसरी माता से ये। आज विवाह हुआ, साथ ही साथ तलाक के पेपर रेडी। तो ऐसे स्थान पर भगवान प्रकट नहीं होते, भगवान तो यहाँ प्रकट होते हैं। देखिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के कुल में पवित्र। आज अपने बच्चों को हम राम बनाना चाहते हैं, लेकिन खुद बने हुए हैं रावण। कहाँ से बनेगा राम? और हरिश्चंद्र के पुत्र कौन हुए बताओ? रोहित। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। रोहित के पुत्र ये बता हरित। कौन कौन कौन
हरित, क्या नाम हुआ? हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भरुक, भरुक के वृक, वृक के पुत्र हुए बाहु। राजा बाहु के 1000 पत्नी, एक पत्नी गर्भवती थी, बाहु की युद्ध में मृत्यु होगी, बाकी के 999 ने सोचा उसका पुत्र का जन्म होगा तो वह राजा बनेगा और हम 999 दासियां बन जाएंगी, उनकी माता राजमाता बन जाएगी, तो सब 999 ने मिलके उस एक माता को क्या किया? जहर दे दिया। परंतु सूर्य वंश के ऊपर भगवान की कृपा हुई। जहर खाने के बाद भी वह बालक नहीं मरा और जैसे ही समय बीता उसका जन्म हुआ, वह जहर को हाथ में लेकर के निकल गया। जहर को संस्कृत में गर्ग कहा जाता है और इसीलिए उनका नाम हो गया, क्योंकि गर्ग के साथ आया, इसीलिए उनका नाम हो गया सगर। क्या हुआ? सगर, बाहु के पुत्र हुए सगर। और राजा सगर के दो पत्नी, उनमें एक पत्नी का नाम केसिल और दूसरी पत्नी का नाम सुमन। सगर के 60,000 पुत्र, 99 अश्वमेघ यज्ञ कर चुके थे, 100वां अश्वमेघ यज्ञ करने जा रहे थे। इंद्र को लगा मेरा स्वर्ग ले लेगा, तो उसने घोड़े को क्या किया? कहां छिपा दिया? कपिल मुनि के आश्रम में। ठीक है, तो सगर के पुत्र ढूंढने के लिए निकले, कपिल देव का अपमान किया, अपराध किया और कहते हैं कि जो समुद्र देख रहे हैं ना, सागर देख रहे हैं ना, इसके सगर के पुत्रों ने ही खोद के उस घोड़े को खोजने के लिए पूरी पृथ्वी को खोद दिया और उसमें आगे जल करके जल भरा तो बन गया सागर। क्यों? क्योंकि सगर के पुत्रों के द्वारा खोदा गया था। कपिल देव के आश्रम में 60,000 पुत्रों ने घोड़ा देखा तो कपिल देव का अपमान हुआ और एक वैष्णव का, भगवान का अपमान करने पर वह जल करके भस्म हो गए, उसी स्थान पर मर गए। सगर के पुत्र हुए अश्मंजस अपने पितरों का उद्धार करने के लिए प्रयास किए, नहीं कर पाए। अश्मंजस के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान तपस्या किया लेकिन इनके द्वारा भगवान कपिल प्रसन्न हो गए। उपाय बताया कि ब्रह्म लोक तक पहुंची हुई देवी गंगा अगर इस पृथ्वी पर आ जाए तो तुम्हारे 60,000 पुत्रों का कल्याण हो जाएगा अगर उसमें उसकी अस्थि डाल दी गई। परंतु उस गंगा को इस पृथ्वी पर लाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ी लेकिन नहीं ला पाए। अंशुमान के पुत्र हुए दलीप, और दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। कौन हुए? राजा भागीरथ। और इन्होंने ही तपस्या करके देवी गंगा को प्रसन्न किया और इस पृथ्वी पर लेकर के आया। इसलिए गंगा देवी को क्या कहा जाता है? भागीरथी। भागीरथी के पुत्र श्रुत, श्रुत के नाभ, नाभ से सिंधुदीप, सिंधुदीप के आयुतायु, आयुताओ के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के स्वदास, स्वदास के अश्मक, अश्मक के मूलक, मूलक के एडविड, एडविड के पुत्र वे राजा खटवांग, जो भगवान के बहुत बड़े पुत्र। खटवांग के पुत्र वे दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु। रघुकुल रीत इन्हीं के ऊपर पहले तो चलते आ रहा था सूर्य वंश, लेकिन राजा रघु के जन्म होने से उस कुल का नाम हो गया रघुकुल। बहुत सुंदर सुंदर कार्य है, अभी इनकी कथा बताऊंगा तो पता चला पूरा कथा ही खत्म हो गया है। तो इस प्रकार से रघु राजा, रघु के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए कौन? महाराज दशरथ। हमारे भगवान के दादाजी कौन हुए? अज, है ना? तो इस प्रकार सूर्यवंश की परंपरा दशरथ जी प्रकट हो गई। अब अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट हैं कौन? महाराज दशरथ। अब दशरथ के गुणों को गिनाते हुए रामायण कर कहते हैं क्या? अवधपुरी रघु कुल मणि राओ, यवदपुरी रघु, यवदपुरी रघु कुल मणि राओ,
पूरी रघु कुल मणि रावू हैं जिनका नाम है क्या दशरथ दशरथ जिनका नाम ही उनका परिचय है जिनका रथ अबाध्य गति से स्वच्छंद गति से दसों दिशाओं में चले जिसके रथ को कोई नहीं रोक पाए उसे कहते हैं दशरथ दसों दिशाओं में ऊपर नीचे जहां चाहे जा सके जब चाहे तो स्वर्ग में जा सकते थे पताल में जा सकते थे दसों दिशाओं में यवधपुरी रघुकुल मणि राओ यवधपुरी और जिस नगरी के राजा है उसका नाम क्या है अवध जहां पर किसी प्रकार के जीव का हिंसा नहीं वध नहीं सब लोग परम प्रसन्न है और वेद विदित पूरा जगत जानता है राजा दशरथ परम प्रतापी राजा दशरथ के गुणों के विषय में कहते हैं क्या धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी 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 हृदय भगति मति सारंग पानी राजा दशरथ के विषय में कहते हैं वे धर्म में धुरंधर धर्म में धुरंधर राजा दशरथ अपने कर्तव्यों का पालन करने में धर्म का पालन करने में धुरंधर एक बार किसी को वचन दे दे तो उस वचन को प्राण देकर भी रघुकुल रीत सदा चलाई प्राण जाए पर वचन जाए मुख से निकल गया तो होके रहता है धर्म धुरंधर राजा दशरथ अपने कर्तव्यों का पालन करने में धर्म का पालन धुरंधर एक बार किसी को वचन दे दे बस प्राण देकर भी उसका पालन और कहते हैं धर्म धुरंधर थे सभी गुणों के खान थे और हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति धारण किए हुए थे शारंग पाणि भगवान की भक्ति धारण धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी 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 गाइए बहुत आसान चौपाई है हमारे भगवान के पिता का वर्णन हो रहा है धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी हृदय भगति मति सारंग पानी सभी लोग गाइए प्रेम से राजा दशरथ को जो भगवान के परम भक्त और पूरी दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट सूर्य वंश रघुकुल में जिनका जन्म हुआ है लाखों लाख दास दासी लाखों लाख राज रजवाड़ी सब कुछ कंडो कर क्या कर परंतु भक्तों मैंने कहा ना कि भगवान ने कहा है यह जगत क्या है दुखालय शाश्वतम कृष्ण ने गीता में कह दिया तो यह दुखालय ही है कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जीवन में कुछ ना कुछ कमी जरूर राजा रजवाड़े सब कुछ है परंतु अपूर्ण है ये जगत भक्तों दोष से भरा हुआ आदमी के पास सब कुछ होता है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवश्य हो जाता है इस जगत में अपूर्णता का अनुभव सबको होता है
राजा जनक के पास सब कुछ था लेकिन एक चीज की कमी थी। क्या? एक दिन अपने राजमहल में बैठे और महल में बैठे बैठे चिंता करते हैं। एक बार भूपति मन माही, 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 भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी बैठे हैं अपने मन में और मन ही मन में गलान हो रही है, शोक हो रही है। क्या राजा है लेकिन मन में एक दुख था, क्या मोरे सुत नाही, मेरी इतनी पत्नियां हैं, विवाह हुए इतने दिन बीत गए, इतना समय बीत गया परंतु आज तक मुझे कोई पुत्र नहीं। क्या मैं जीवन भर बिना पुत्र वाला रहूंगा, मुझे कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। पुत्र नहीं होने का दुख राजा दशरथ को सता, परंतु भक्तों जैसे ही राजा दशरथ के हृदय में पुत्र नहीं होने का दुख सताया, तुरंत राजा दशरथ कहते हैं, गुरु गृह गया हूँ तुरंत मही पाला, गुरु गृह गया हूँ तुरंत मही पाला, गुरु गृह गया हूँ तुरंत मही पाला, गुरु निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहि वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कहि वशिष्ठ बहु विधि समझायो, अपने गुरु के पास गए। भक्तों राजा दशरथ ने आचरण करके सिखाया कि संसार में किसी भी व्यक्ति के हृदय में दुख अन्य किसी के पास नहीं जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए, गुरु के पास। राजा दशरथ अपनी पत्नियों के पास नहीं गए, अपने मंत्रियों के पास नहीं गए, अपने प्रजा के पास नहीं गए, अपने सगे संबंधियों के पास नहीं गए, कहां गए, गुरु के पास। राजा दशरथ गुरु के आश्रम में गए और दोनों हाथ जोड़कर गुरु जी के चरणों में गए। राजा दशरथ की आंखों में आंसू की धारा, गुरु जी ने महाराज देखा कि महाराज आए हैं, तुरंत अपने आसन से खड़ा हो, महाराज आप मेरी आश्रम में, अरे मुझे बुलवा लिया होता मैं आ गया होता, आपने आने का कष्ट क्यों किया, पूरी दुनिया के राजा हैं पर आज आंख में आंसू भर के गुरु के सामने। गुरु जी ने कहा, राजन धीरज रखिए, क्या चिंता है, कहिए क्या दुख है। राजा दशरथ आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर गुरु जी से कहते, गुरु जी इतनी पत्नियां हैं, विवाह हुए इतना समय बीत गया, क्या मेरे जीवन में कभी पुत्र का सुख नहीं मिलेगा, क्या जीवन भर में बिना पुत्र वाला रहूंगा, क्या मैं कभी पिता नहीं बनूंगा। इतना कहकर महाराज दशरथ अपना धीरज खो बैठे और महाराज दशरथ की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने, गुरुदेव क्या मुझे कभी पुत्र नहीं होगा। उसी समय वशिष्ठ जी अपना वरद हस्त पर करते और कहते हैं, राजवीर धीरज धारण करो, डरो धीर हो यही हितचारी, डरो धीर हो यही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, राजन धीरज धारण करो, आपके जीवन में एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार पुत्र की प्राप्ति होगी, चार चार पुत्र। यह सुनकर महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए, नाचने लगे, परंतु वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन राजन पुत्र की प्राप्ति के लिए आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा और उस यज्ञ के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा। किनको बुलाना पड़ेगा, श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि को। ये है गुरु की मर्यादा, देखिए पुरोहित महाराज दशरथ के जान रहे हैं कि मैं वह क्रिया नहीं करा सकता, मैं उसके लायक नहीं हूं, तो कह दिया सामने नहीं
आवाज नहीं करिए, आवाज नहीं करिए। मैं गाता हूं तो पता नहीं चलता, लेकिन ऐसे पता चलता है। आप लोग आवाज बंद करिए। कह दिया, क्या कहा कि मेरे जजमान का हित मैं नहीं कर सकता, तो इसके लिए किसी अन्य साधु को बुलाना पड़ेगा। ये पुरोहित की मर्यादा है। पुरोहित देखे कि अगर मैं अपने जजमान का हित नहीं कर सकूं तो उसे वहां पे भेज। गुरु अपने शिष्य का देखे कि मैं यह ज्ञान अपने शिष्य को नहीं दे पा रहा हूं, फलाने जगह यह ज्ञान मिल रहा है, तो वह अपने शिष्य को भेज। आजकल क्या हुआ है, गुरु भी बड़े सिकुड़ गए हैं। नहीं, मेरा शिष्य है केवल मुझसे ही सुनेगा। नहीं, अगर हमें वह क्वालिटी नहीं है तो हम चाहें उसको दूसरे के पास भेजे, जहां से वह ज्ञान वह ग्रहण कर ले। शिष्य की यह मर्यादा है। वशिष्ठ जी ने कहा, श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। बड़े प्रेम से महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और भक्ति सहित मुनि आहुति दिनी भक्ति के साथ राजा दशरथ ने बहुत सुंदर आहुति दिया और उस यज्ञ से क्या प्रकट हुआ, चरु प्रकट हुआ। चरु अपने पत्नियों को बांट दिया। आज इस चरु को ग्रहण करके देवी कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी भाग्यशाली हो गई। रामायणकार कहते हैं सुमित्रा जी का चरु ऐसे करके लेकर के जा रहा था, तो उसी समय आसमान से एक गिद्ध आया और उस चरु को उड़ा करके ले गया। अब कहां लेके गया ये मत पूछना, बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो उस समय कौशल्या ने और कैकेयी ने थोड़ा थोड़ा अपना चरु किनको दे दिया, सुमित्रा को। उस समय देवी सुमित्रा ने कहा कि दीदी आपने हमें यह दिया है, अगर भगवान की कृपा से मुझे दो पुत्र हुए ना, तो एक पुत्र आपके पुत्र के सेवा में और एक पुत्र आपके पुत्र की सेवा में दे दूंगा। वैसा ही तो कहते हैं जिस दिन से देवियों ने चरु ग्रहण किया है उस दिन से अयोध्या में मंगल ही मंगल हो रहा है। अयोध्या के दिन कैसे बीत रहे हैं कहना मुश्किल, एकदम शांत हो गया है वातावरण, जैसे यहां पर शांत हो गया। ऐसे ही बच्चे खिलखिला के उठ हंस रहे होंगे, वहां भी हंसने दो, भगवान का प्राकट्य है, गप ना करें, हंसे चलेगा। कहते हैं एकदम मंगल ही मंगल हो रहे हैं। अयोध्या के दिन कैसे बीत रहे हैं, आपके भी दो घंटे कैसे बीत गए पता नहीं चला होगा। अयोध्या के दिन कैसे बीत रहे पता नहीं चल रहा है किसी को, ज्ञात नहीं। अयोध्या की बस्ती, अयोध्या की नगर हीरे मोतियों के खानों से भरकर एकदम धनाढ्य हो गए। अब कहेंगे प्रभु जी ये हीरे मोती कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, वह भी तो मिट्टी का ही रूपांतरण है। आपके गांव में भी महुआ गिरता है कि नहीं, गिरता है ना, हमने देखा है, ऐसे ही गिरता है, ऐसे ही निकलता होगा। महुआ भी तो मिट्टी का ही रूपांतरण है ना, मिट्टी ही तो महुआ के रूप में रूपांतरित हो रहा है, हीरे मोती भी तो मिट्टी का ही रूपांतरण है। तो सतयुग में त्रेता युग में इस प्रकार से हीरे मोती गिरते थे, उसे उठाने वाले कोई नहीं, आज महुआ गिरता है तो उठाने वाले देखो। ठीक है, कहते हैं अयोध्या के नगर, अयोध्या की नगर हीरे मोती की खानों से भर गए, ध्वज पताका लहराने लगे हर जगह जय श्री राम के नाम के। मन में अचानक से सबका आनंद होने लगा। कई वर्षों से नदियों के जल सूख गए थे, आज नदियों में बहाड़ आने लगी है, सुख ही सुख हो रहा है, मंगल ही मंगल हो रहा है। साक्षात भगवान के, साक्षात आनंद के निधान भगवान कौशल्या के गर्भ में जो आ चुके हैं। और कहते हैं खुशी के दिन जल्दी बीतते हैं, तुरंत बीत गए और वह परम पवित्र तिथि उपस्थित हो गई। रामायण का ऐलान करते हैं वो परम पवित्र तिथि आ गई है, वो परम पवित्र मुहूर्त आ गया है, वह दिन आ गया है जिस दिन भगवान रामचंद्र इस धरती पर प्रकट होने वाले हैं। पार्वती ने कहा भोलेनाथ भोलेनाथ बताइए ना वह दिन कैसा था, वह तिथि कैसी थी, वह समय वह नक्षत्र कैसा था। कहते नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास
अतिथि मास चैत्र मास आ गया शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त आ चुका है मध्य दिवस न सुबह है न रात है तालियों से अभिजीत मुहूर्त आ चुका है मध्य दिवस न सुबह है न दिन है न रात मध्य दिवस दिन के दोपहर चैत्र मास वैसे तो इस ऋतु में बड़ी गर्मी होती है परंतु भगवान आने वाले हैं ये पता चलते ही पवन देवता बड़े सुंदर सुंदर शीतल शीतल मंद मंद सुगंधित हवाएं बहाने आज यहाँ का भी देखिए कल बड़ी गर्मी हो रही थी लेकिन कितना आज आराम से बैठे हैं सब लोग बात हो रही थी कि पंखे लगने चाहिए लेकिन मैं जान रहा था कि कल भगवान राम प्रकट होंगे और पवन देवता अपनी वायु को जरूर ठंडी कर लेंगे आज देखो ठंडा अनुभव हो रहा है ये भगवान की महिमा है पवन देवता मन मन शीतल शीतल सुगंधित सुगंधित सुंदर वायु बिल्कुल वातानुकूलित वातावरण हो गया आज भगवान आने वाले हैं ये सुन करके संतों के हृदय में आनंद होने लगा यशरों के हृदय में क्षोभ उत्पन्न होने लगा रावण आदि असुरों के अत्याचार से वृक्षों ने फल और फूल देना बंद कर दिया था पता चला भगवान श्री रामचंद्र आने वाले हैं वृक्ष की डाली बहुत सुंदर फल और फूलों से सजी रावण के अत्याचार से नदियों का जल सूख गया था आज नदियों में पहाड़ आने लगे रावण के अत्याचार से संतों के हृदय में जो दुख हुआ था साधु संतों की अग्नि जो बुझ चुकी थी वो अग्नि पुनः प्रज्वलित हो गई साधुओं के मन में आनंद होने लगा उसी समय ब्रह्मा जी को पता चला भगवान राम आने वाले हैं ये बात ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को पता चला और ब्रह्मा जी समस्त देवी देवताओं को बुला लिया मध्य दिवस अतिशीत न धामा पावन काल लोक विश्रामा सो अवसर बिरंजी जब जाना चले सकल सुरी साज विमाना देवताओं को पता चला कि पृथ्वी लोक पर भगवान से रामचंद्र प्रकट होने वाले हैं समस्त देवता अपने अपने विमान को सजा सजा करके नए नए वस्त्र धारण करके विमानों के माध्यम से इस पृथ्वी लोक पर आ गए आज तक भक्तों केवल पृथ्वी पर ट्रैफिक जाम होता था लेकिन आज अयोध्या नगरी के आकाश में इतने विमान आए कि आकाश में ट्रैफिक जाम हो समस्त देवता आकाश मार्ग से दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे आइए हम भी देवी देवताओं के साथ भगवान की गर्भास्थ स्तुति करें स्तुति कर ही नाग मुनि देवा 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 संसार के समस्त जीव भगवान की स्तुति करें गंधर्व किन्नर चारण विद्याधर रक्ष देवी देवता समस्त लोकपाल सब मिलकर भगवान की स्तुति कर रहे स्तुति कर रहे नाग मुनि देवा स्तुति कर रहे नाग मुनि देवा जय राम रमा रमणम शमणम भवता भया कुलताहि हरम अवदेश चुरेश रमेश विभु शरणागत मादत्राहि प्रभु स्तुति कर रम
लक्ष्मणम भवता व्याकुल त्राहि हरम अवधेश सुरेश रमेश विपु चरणागत मादत्ताहि प्रभु अस्तुति करहि नाग मुनि देवा स्तुति करहि नाग मुनि देवा समस्त देवी देवता भगवान को गर्भस्थ स्तुति करने लगे। आइए हम भी देवी देवताओं के साथ मिलकर भगवान को गर्भस्थ स्तुति करें और इस ग्राम में भगवान श्री रामचंद्र को प्रकट करें। चाहत मुनि संता कमला कंता बलवल संता बलवंता क्षत्री ब्रज धारण धर्म सुजार सारंग धारण जंजारण कैकेयी कारण नाथ विवार असुर बिरारण बदवार भव सिंधु तारण जन विचार चारो तारण भगवंता चारो तारण भगवंता चारो तारण भगवंता स्तुति करहि नाग मुनि देवा स्तुति करहि नाग मुनि स्तुति करहि नाग मुनि देवा स्तुति करहि नाग मुनि देवा समस्त देवी देवता स्तुति करें। आइए अभी बड़े प्रेम से भाव से गाएं। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम सभी लोग दोनों हाथ से नाग मुनि किन्नर चारण भगवान की स्तुति करके अपने धाम चले गए और यहाँ पर अपने भक्तों को आनंद देने के लिए असुरों का विनाश करने के लिए कटी हुई गायों की रक्षा करने के लिए ऋषि मुनियों की अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए साधु संत महात्माओं को आनंद देने के लिए नौवीं तिथि ठीक दोपहर को 12 बजे मधुमास चंद्रमास शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त मध्य दिवस न सुबह है न रात है मध्य दिवस दिन के ठीक दोपहर 12 बजे जैसे बड़े बड़े पहाड़ों पर जैसे सूर्य प्रकट होता है जैसे सिंघनी के गर्भ से वनराज केसरी सिंह जन्म लेता है ठीक उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र दिन को दोपहर 12 बजे कौशल्या के हृदय गर्भ से प्रकट हो गए। श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राजा राम की जय हो राजा राम की स्वागत करिए खड़े होकर जय हो राजा राम की 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 यवत में आनंद भयो जय हो राजा राम की Thank you.
आप सभी अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में सब लोग पीछे चले जाइए कुर्सी देना बैठने दो कुर्सी ला दीजिए ऊपर यवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की यवध में आनंद भयो यवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की यवध में आनंद भयो राजा राम की जय हो राजा राम की जय हो राजा राम की जय हो राजा राम यवत में आनंद भयो जय हो राजा राम की यवत में सभी लोग नाचते हुए उत्सव मनाइए यवत में आनंद भयो जय हो राजा राम की यवत में आनंद भयो हरी हरी नाचते हुए भगवान का स्वागत करिए राम जी का जन्म हो गया है एक दो को बधाई होगा और बधाई में आप लोगों को पता है क्या क्या करना पड़ता है इसलिए कुछ ना कुछ लुटाना है और बाबू को देखिए राम जी रो भी रहे हैं स्वभाव है जब बच्चा होता है तो रोता है ठीक है ना और आनंद लेना है आप लोग डांस कीजिएगा और सभी लोग मिलकर गाइएगा थोड़ा थोड़ा पीछे आप लोग जितने भी माताएं हैं जितने भी भक्त हैं थोड़ा थोड़ा खाली पीछे होना है जगह बना लेना है कोशिला के जन्मे ललनवा अवध में बाजे बधाई हरी वो पीछे चले जाओ पीछे जाके डांस करो बाजे बधाई
बधैया हो बाजे बधैया कौशला के जन्मे ललनवा अवध में बाजे बधैया सभी लोग ताली बजाएं कौशला के जन्मे ललनवा अवध में बाजे बधैया सोहर जो होता है सोहर का नेक होता है सोहर में खुशी होना चाहिए सबको लुटाना चाहिए क्या रानी लुटाल रानी कौशल्या जी पलना झूलावे रानी पलना झूलावे हो पलना झूलावे राजा दशरथ जी मोहर लुटावे मोहर लुटावे हो मोहर लुटावे मोहर लुटावे हो मोहर लुटावे छटा देख देख बिरसे बरनवा बधैया बाजे भजन कौशला के जन्मे ललनवा अवध में बाजे भजनवा बधैया बाजे कौशला के जन्मे ललनवा बधैया बाजे लगनवा कौशला के जन्मे ललनवा बधैया बाजे राम जन्म जग मंगल है तू राम जन्म जग देखिए राम जी का जन्म हुआ है जग के मंगल के लिए राम जन्म जग मंगल है तू राम जन्म जग मंगल है तू कौशला के जन्म ललनवा अवध में बाजे भजन कौशला के जन्म ललनवा अवध में बाजे उत्सव इतना जल्दी खत्म होता है क्या कि भूअर भूअर बार रे हो रिलवा के भूअर भूअर बार रे हो रिलवा के सभी लोग भी लोग ताली बजाएंगे और डांस करेंगे तभी गाने में आनंद आएगा और ऐसे ही सुहर नहीं सुनता है प्रभु जी महाराज जी लोग छूछे सुहर सुने इसलिए मन नहीं लगने लगता अब आप ही बताइए कैसे सुहर चलो ठीक कीर्तन गाओ चैत मास भैल
है कि हरि नाम गाइए, ठीक है? ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare नाचते हुए, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया भगवान का जन्म हुआ है। गुण अब गुण सब तेरो अर्पण, गुण अब गुण सब तेरो अर्पण, पाप पुण्य 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 सब तेरो, पाप पुण्य सब तेरो अर्पण, पाप पुण्य सब तेरो, बुद्धि सहित मन तेरो अर्पण, बुद्धि सहित मन सहित मन तेरो अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरो, यह जीवन भी तेरो अर्पण, 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 मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, प्राण आधारिया जल पल्ली पारिया, जल पल्ली पारिया, जल जहाँ पिता जे राधा रानू, जहाँ पिता जे राधा जल बेली सरकार समरिया, जल पल्ली इधर भी नाचो, अरे वो दोनों हाथ उठा करके।
नाचो नाचो तेरी आस लगा बैठी हूँ लज्जाशील गवा बैठी हूँ लज्जाशील गवा बैठी हूँ लज्जाशील गवा बैठी हूँ लज्जाशील गवा बैठी हूँ मैं अपना अप लुटा बैठी हूँ मैं अपना अपना बैठी हूँ आंखें खूब थका 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 बैठी मैं तेरे सांवरिया में तेरी रागनी सांवरिया में तेरी रागनी तू मेरा राग मला सांवरिया चल पाली पा सांवरिया ले चल पाली पा सांवरिया ले नाचो नाचो भगवान के लिए जग की कुछ परवाह नहीं है जग की कुछ परवाह नहीं है सुझती अब कोई राह नहीं है सुझती अब कोई राह नहीं है तेरे बिना कोई चाह नहीं है बिना कोई चाह नहीं और बची कोई राह नहीं है मेरे माझी मेरे प्रीतम मेरे माझी मेरे प्रीतम मेरी माझी मेरे प्रीतम मेरी माझी थाम ले मेरा हाथ सवरिया सवरिया ले चल पाली पा सवरिया
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद 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 बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गोरनिताय 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 जय गोरनिताय जय गोरनिताय गोरनिताय जय गोरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल 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 हरि हरि बोल 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 धर्मराज हरिनाम संकीर्तन के जय 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 श्री राम जन्मोत्सव के जय जय श्री राम जन्म महा महोत्सव के जय जय जगत गुरु श्री राम प्रभुपाद के जय नितार नितार गौर प्रमानंद हरि हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अभी आरती होगी, आरती लेकर के जाइए। आप लोगों ने बहुत नृत्य किया, लेकिन कुछ लोग हैं क्या बोलते हैं उसको जिसको बार बार बोलो और नहीं सुने, गांव के भाषा में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ थेथर लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत अद्भुत हैं। बहुत अच्छा आज आप लोगों ने उत्सव मनाया, कल भगवान का दिव्य विवाह। हरि बोल, बारात जाके रेडी होके आना, बारात जाने के लिए एकदम नए कपड़े।
कोट पैंट सूट कुर्ता पजामा पहन के आना है, ठीक है? और हरिनाम संकीर्तन में नाचना है। हरि बोल, हरे कृष्णा। सब लोग बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। आज जो आपने भगवान के लिए भोग लाया है उस भोग को मिलाया जाएगा और आपको ही बांटा जाएगा, इसलिए बैठ जाइए। अभी तक नहीं लगाया क्या? जाओ जल्दी, जाओ जल्दी। मोबाइल की ठीक है, फिर भगवान हमें नहीं खींचेगा, पता नहीं क्या लिखे, नहीं खींचेगा। आरती आरती की थाली लेकर के आई। अरे ड्रामा भी है, हरि बोल हरि बोल, भूलिए मत। आरती के बाद ड्रामा भी है, जरूर देख के जाइए। मैं तो भूल गया था, आरती के बाद ड्रामा है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ के ही आरती करिए और उसके बाद ड्रामा हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं भूल गया। चलो आरती जल्दी करो। आरती खाली का तैयार नहीं किया अभी तक। हरि बोल, इसको नीचे कर दो। आरती श्री रामायण जी की।
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण ठीक है आरती की तैयारी कराया जाए।